अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सर्दियों की खास सौगात, खास रेसिपी इम्यूनिटी बूस्टर पंजरी, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे हेल्थ के लिए हर तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ चाहिए। तो चलिए सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई डाल देंगे, उसे गरम करेंगे। उसमें देसी घी डालना है, हमें देसी घी में ही सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 2 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है। अब इसे में हमने 50 ग्राम के लगभग गोंद डाला है, बबूल का गोंद है। इसे हमें हाई फ्लेम में फ्राई करना है। घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, घी ठंडा रहे तो उसमें गोंद नहीं डालिएगा, नहीं तो गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगा। हमें गोंद को हाई फ्लेम में कंटिन्यू चला चला के फ्राई करना है, जब तक ये गोंद मोतियों की तरह फूल न जाए। देखिए एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो गोंद इस्तेमाल किया है वो बबूल का गोंद है, इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं। गोंद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट स्ट्रोक से बचाता है और हमारे हड्डियों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्रेगनेंसी के बाद जो जच्चाएँ होती हैं उनके लिए गोंद बहुत ही मुफीद होते हैं, तो सर्दियों में गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया, कितना वाइट वाइट सा एकदम मोतियों की तरह हो गया। इसे निकाल लेंगे, सेम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी 1 चम्मच के लगभग डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तब हमें लो फ्लेम कर देना है। लो फ्लेम में हमें मखाना फ्राई करना है। तो हमने यहाँ एक इस कटोरी से 2 कटोरी हमने मखाना लिया है। मखाना के भी बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है। मखाना लो कैलोरी स्नैक है जो आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। मखाना प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, हेल्दी हार्ट के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। मखाना को हमें कंटिन्यू चला के फ्राई करना है, 5 से 6 मिनट लगेगा। मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करना है या जब तक क्रिस्प ना हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। देखिए हमारा मखाना अच्छे से फ्राई हो गया, तो हम इसे निकाल लेंगे, सारे मखाना को निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में घी डाल लेंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें और सब जो ड्राई फ्रूट्स बचा हुआ उसे भी हमें फ्राई करना है। तो हमें यहाँ घी डाल देना है, तो मैंने यहाँ 1 चम्मच घी डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे बादाम। बादाम हमने 1/2 कप के लगभग लिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि मेज़रमेंट एकदम जितना मेज़रमेंट मेंशन किया है उतना ही, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो, जो नहीं पसंद है आप अपने हिसाब से थोड़ा कम बेस कर सकते हैं। तो मैंने बादाम डाल दिया, काजू डाल दिया और पिस्ता, इन सबको ही लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है। उसके बाद इसमें सेम कढ़ाई में हमें डाल देना है पम्पकिन सीड और मेलन सीड्स, इसे भी हमें फ्राई करना है घी में। उसके बाद इसमें डाल देंगे अखरोट, उसे भी फ्राई कर देंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं। बस जब ड्राई फ्रूट्स हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा, इसमें क्रंच आ जाएगा, तब तक हमें फ्राई करना है। इसमें हमें डाल देना है ग्रेटेड कोकोनट, देखिए इसे भी थोड़ी देर फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हमें निकाल लेना है। इसे हाई फ्लेम में नहीं करना है नहीं तो जल जाएगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये क्रिस्प हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो गया। कढ़ाई को टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हमें इसमें सूजी भूनना है, तो सूजी भूनने के लिए हमें घी डालना है। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच घी डाल दिया है और 200 ग्राम के लगभग हमने सूजी लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम में सूजी को फ्राई करेंगे, 6 से 7 मिनट लगेगा। जब सूजी अच्छे से फ्राई कीजिएगा, रोस्ट कीजिएगा, जब सूजी से अच्छे से सोंधा बन का स्मेल आएगा तब तक हमें फ्राई करना है। इसका कलर वाइट से ब्राउन कलर का हो जाएगा तब तक हमें फ्राई करना है। उसके बाद देखिए हमने जो गोंद को फ्राई किया था, देखिए ये कैसे एकदम टूट जा रहा है ना, तो अब इसे हमें ग्राइंड करना था। एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे 1 से 2 बार चलाएंगे, ये पाउडर फॉर्म का हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हो गया, देखिए गोंद अच्छे से पिस गया है। अब इसी सेम जार में हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे जैसे मेलन सीड, 4 मगज़ वगैरह, ये सब इसे डाल देंगे और इसे भी ग्राइंड कर देंगे। हमें ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रहेगा तो इसे हमें बस डालना है, 1 से 2 बार चलाएंगे। देखिए इस तरीके से दरदरा फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे हम जार से निकाल देंगे और काजू पिस्ता बादाम जो फ्राई किए थे उसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा हमने बचा लिया है गार्निश करने के लिए, तो जार में डाल के इस तरीके से दरदरा पीस देंगे। देखिए एकदम पाउडर फॉर्म में हमें नहीं करना है,
पीस दें, या आप पाउडर फॉर्म में खाना पसंद करते हैं तो उस तरीके से कर लें, या बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। अब हमने जो मखाना को भून के रखा था उसे भी पीस लेना है। थोड़ा मखाना मैं बचा ले रही हूँ गार्निश के लिए। देखिए ये मखाना का भी ये अच्छे से पीस किया है। अब सबको एक बर्तन में डाल देंगे। अब इसे मीठा करने के लिए आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चीनी पाउडर का, या फिर आप गुड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ को काट के एक बार ग्राइंडर में इस तरीके से चला दीजिए, ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसे मेल्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप सारे ड्राई फ्रूट्स और सूजी के साथ इसे मिक्स कीजिएगा, ये आराम से मिक्स हो जाएगा। तो भुना हुआ सूजी डाल देंगे और इसमें हमने जो गुड़ को जो पीस के रखा था उसे डाल देंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इससे क्या होगा, आप जो इसे पंजरी को आप जितना दिन भी 4 महीना 5 महीना रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। आप सर्दियों के स्टार्टिंग में बनाएं और पूरे सर्दी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके जो सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाता है, पंजरी न्यू मदर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ हुए हैं सबके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप 1-2 दिन के ही बाद आप पंजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है तो आप टाँका सूखने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत इस्तेमाल हुआ है और ड्राई फ्रूट्स का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, तो उससे टाँका पकने का डर रहता है, या आप डॉक्टर से पूछ के तभी इसका इस्तेमाल करें। पंजरी सिर्फ न्यू मदर के लिए ही नहीं होता, ये हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजरी एक साथ ज़्यादा कंज्यूम नहीं करें, लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करें। डेली सुबह 3 से 4 छोटे चम्मच आप खा सकते हैं, जितना मैं दिखा रही हूँ। इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पंजरी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, यह हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ में ये याददाश्त के लिए बहुत ही मुफीद है, तो स्टूडेंट को आप ज़रूर छोटे बच्चे को ये खिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। पंजरी जिस्म में गर्मी पैदा करती है और सर्दियों में आपके जिस्म को गर्म रखती है और सर्दी खांसी जैसे बीमारियों से आपको बचाती है। तो फ्रेंड्स, विंटर में आप पंजरी ज़रूर बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, घर में बड़े हैं उनको खिलाएं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।